नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जलौन के लिए थाना अंतर्गत ग्राम सलैया में बीते दिनों घर से भगाकर ले जाई गई किशोरी के पिता का थाना पुलिस से विश्वास उठ चुका है। रविवार को उसने सीओ को प्रार्थना पत्र देते हुए थाने के उपनिरीक्षक आरोपी से मिले होने का आरोप लगाया। पीड़ित राजवीर ने सीओ राहुल पांडे को शिकायत सौंपते हुए बताया कि बीती 22 नवंबर को उनकी 17 वर्षीय पुत्री को गांव का ही रहने वाला आरोपित नरेंद्र कुमार जबरन भगा कर ले गया, जिसकी रिपोर्ट थाने में उन्होंने दर्ज भी कराई थी, लेकिन जांच अधिकारी उपनिरीक्षक सुनील कुमार उन्हीं को धमका रहे हैं और आरोपित का बचाव कर उसकी सहायता कर रहे हैं, जिस कारण आरोपित और उसके साथी उन्हें और उनके परिवार को धमकियां दे रहे हैं। रविवार को आरोपित के पिता और अपने साथियों के साथ उसके घर पर आए और गालियां देते हुए मुकदमा वापस लेने की धमकी दी। सीओ ने पीड़ित को न्याय का भरोसा दिलाया है। क्या नाम है? राजवीर। कहाँ के रहने वाले? ग्राम सलैया के रहने वाले हैं। क्या है मामला? मामला है मेरी लड़की को नरेंद्र सिंह भगा ले गया है। कहाँ का? ग्राम सलैया का। पुलिस से शिकायत नहीं की थी? पुलिस से शिकायत की है। क्या कार्रवाई की थी? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है मेरी। लड़की और अभी तक आरोपी पकड़ा गया? कोई नहीं, आरोपी नहीं पकड़ा गया। लड़की? ना लड़की पकड़ी गई। अब किससे शिकायत कर? शिकायत सीओ साहब के यहाँ।